हरियाणा की एक सीट है बल्लभगढ़, जहां चुनावी मुकाबला बेहद रोमांचक अब हो चला है। इस सीट पर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों की मौजूदगी है और त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। और इसी बीच इस सीट पर चुनावी माहौल क्या है, आपको यहां से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव का घमासान मचा हुआ है। राजधानी दिल्ली से ही लगा हुआ है फरीदाबाद, और फरीदाबाद के बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भी कांग्रेस बीजेपी के बीच टक्कर दिखाई दे रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, कुछ पुराने नेताओं ने बगावत भी की है और ऐसी दिक्कत दोनों ही यानी कि कांग्रेस और बीजेपी के भीतर दिखाई दे रही है। ऐसे में क्या है समीकरण, नेताओं से उनकी बात जानेंगे और जनता की राय भी ईवीएम में देखते हैं। ईवीएम यानी इलेक्शन वाला माहौल। हरियाणा के बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं और बीजेपी के उम्मीदवार विधायक मूलचंद शर्मा जी इस वक्त यहां जनसंपर्क के लिए निकले हुए हैं। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का कुछ तो असर होता होगा, कोई उसका तोड़ जवाब है जो जनता के बीच भी आप दे रहे हैं? नहीं, मैं बल्लभगढ़ की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करूंगा जी। 2014 में इन्होंने मुझे विधायक बनाया, 2019 में बनाया और 2024 में बनाया। ये लोगों को बल्लभगढ़ की जनता का प्यार है। जहाँ आप खड़े ने नर्क भोगा है और भोगा ये हालत रही कि बहन पानी मांगते, मिट्टी मलबा मांगते थे। आज जाके देखिए आप कहीं से निकल जाए शहर में, RMC टेल की रोड मिलेंगे आपको, कोई कच्चा नहीं मिला। मिलेगा तो हमारा ही है कि हमने डाली थी सिविल लाइन, डलवाई थी, उसको भी RMC हम कर रहे हैं। और लोगों की मैं मानता हूँ कि 10 साल का एंटी कम्बेंसी का प्रॉब्लम, पर मुझे लगा 2014-19 से बड़ा चुनाव। बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क के लिए निकले हुए नेता और उन्हीं में आम आदमी पार्टी के रविंद्र फौजदार भी हैं। कांग्रेस के साथ अगर गठबंधन कर लेती क्या दोनों की स्थिति और कुछ बेहतर होती, ऐसा कुछ रियलाइज हो रहा है आपको भी? देखो, हम एक बात जानते हैं, यदि कांग्रेस हमसे गठबंधन करती तो शायद बच भी जाती, वरना जहां जहां उसने हमारे सामने चुनाव लड़ा है, दिल्ली और पंजाब के बारे में आप सब बेहतर तरीके से जानते हैं, वो सब हरियाणा में होने वाला है। और जहां तक बल्लभगढ़ की हम बात करें, मैं आपके कैमरे के सामने कह रहा हूं, इसको रिकॉर्ड रखिएगा, काम आएगा। कांग्रेस हमारे सामने बल्लभगढ़ में जमानत नहीं बचा पाएगी अपनी। ये दावे हैं नेताओं के और आम आदमी पार्टी से बल्लभगढ़ के उम्मीदवार रविंद्र फौजदार ये कह रहे हैं कि प्रचंड बहुमत से हम जीतेंगे भी और हरियाणा में भी कुछ यही सीन होगा।